हेलो एवरीवन, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। उसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे नल सेट। नल जिसे हम वॉइड सेट या तो एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। सर जी, आप एम्प्टी सेट कह रहे हो, मतलब कि क्या पूरा सेट खाली होगा? मैंने कहा डेफिनेटली, मींस इफ अ सेट कंटेन जीरो एलिमेंट, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो ऐसा सेट को हम बुलाएंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या तो वॉइड सेट, जिसे हम एक्चुअली सिंबोलिकली ऐसे फाइल से भी डिनोट करते हैं। अच्छा सर, इसे अगर मुझे लिस्टिंग मेथड में यानी रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करना हो तो? मैंने बोला दो कर्ली ब्रैकेट लिख दो, अंदर तो सब खाली है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो? मैंने कहा देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो कि कोई प्रॉपर्टी लगा के, तो सेट ए इक्वल टू आप ऐसा कह सकते हो एक्स सच दैट x is any real number, मतलब x belongs to कोई real number है, and x square equal to minus 2, suppose मैंने ऐसा ले लिया, तो बच्चा कह सकता है सर कोई ऐसा real number नहीं है, ऐसा कोई real number नहीं है जिसका square करने पर minus 2 आए, मतलब इसका answer क्या आएगा? empty set 5, empty set 5। सर एक और example लो। मैंने कहा देखो set b equal to, मैं ले रहा हूँ x such that x is actually natural number, जहाँ पे x की value 5 से बड़ी है एंड 6 से छोटी है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर 5 और 6 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, मतलब वो भी क्या हो गया? नल सेट। क्या हो गया? नल सेट। सर जी, इससे कोई अच्छा और सेट है जो इसी से मिलता जुलता हो और थोड़ा इससे आसान हो? मैंने कहा हाँ, ये भी आसान था लेकिन इससे भी आसान और बढ़िया है सिंगल टॉन सेट। सिंगल टॉन सेट। सर जी, ये सिंगल वर्ड क्या कहता है? मैंने कहा देखो, सिंगल वर्ड हमें खुद बता देता है कि इसमें एक एलिमेंट होगा, मतलब इफ़ अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि दिस सेट ए इक्वल टू सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 5 लिखा हुआ है। सर जी, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूँ ना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ऐसे 5 लिख दिया, तो देखो बहुत ही मज़ेदार बात हो जाएगी। कुछ लोग इसे क्या मान लेते हैं? एम्प्टी सेट। मैंने कहा नहीं, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो ना, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो वो एलिमेंट हो जाता है। तो इस सेट बी इक्वल टू, यहाँ पे अंदर एलिमेंट दिया है 5, क्या दिया है? 5, दैट मीन्स दिस सेट बी इज एक्चुअली सिंगलटन सेट। क्या हो जाता है? ये सिंगलटन सेट। तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार बात है जिसे समझने लायक है कि सिर्फ 5 अकेला लिखा हो ये, तो हम इसे क्या बुलाते हैं? सिंगल एम्प्टी सेट, ठीक है। सिर्फ 5 अकेला लिखा हो तो हम उसे क्या बुलाते हैं? एम्प्टी सेट। अगर ऐसे कर्ली ब्रेसिस लिखे हो तो हम उसे एम्प्टी सेट बुलाते हैं, लेकिन उसके अंदर 5 लिखा हो तो ये एलिमेंट हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या बुलाएंगे? सिंगलटन सेट। सर इसे कोई मतलब रेस्टोर मेथड में तो आपने दिखा दिया, अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाओ। मैंने कहा चलिए मैं ले लेता हूँ कोई दूसरा सेट बी, ठीक है। यहाँ बी था, एक और नाम बी दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, सेट बी इक्वल टू, मैं ऐसे अगर दे दूँ एक्स such that x belongs to natural number है, ठीक है, x belongs to natural number है and x is less than 2 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? भाई natural number जो 2 से छोटा हो, मतलब 1, तो ये क्या हो गया? इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया फॉर सिंगलटन सेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, फाइनाइट सेट। नाम ही बताता है कि भाई ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है, मतलब क्या? मैंने कहा नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स हो ना अंदर, वो काउंटेबल हो। कैसे हो? काउंटेबल हो, मतलब जिसमें अंदर एलिमेंट सारे काउंटेबल दिखे। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो ये क्या है? यहाँ आप आराम से काउंट कर सकते हो एलिमेंट्स। सेम वे सेट बी इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2, 4, ... अप टू टिल 10, तो हमें पता चल गया कि यहाँ भी कैसे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, इजी है, टिल 10 तक ही जा रहे हैं, तो ऐसे सेट को क्या बुलाएंगे? फाइनाइट सेट। एक और टर्म है जो इसी से रिलेटेड है, जिसे बुलाते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बुलाते हैं? कार्डिनल नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज नॉन एज इट्स कार्डिनल नंबर, यानी कितने एलिमेंट अंदर है उसे अगर आप काउंट कर लो तो उसे उसका कार्डिनल नंबर बुलाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फाइनाइट सेट का ही होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट जो होते हैं उसमें तो अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखो कार्डिनल नंबर की बात करें तो इसे डिनोट किया जाता है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, मतलब अंदर यहाँ पे सेट का नाम लिखा जाता है। भाई एन ऑफ ए बात करें तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसे
से हम n ऑफ a से डिनोट करेंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है कि तीन एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यानी कि अगर मैं n ऑफ b की बात करूँ यानी कार्डिनल नंबर ऑफ b यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं तो हमें पता चल जाता है। देखो यहाँ इवन नेचुरल नंबर लिखा है टिल 10, तो देखो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड 2 5 10, मतलब कार्डिनल नंबर इसका क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अच्छा इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा और इसी से रिलेटेड इनफाइनाइट सेट। क्या इनफाइनाइट सेट? ये सेट खुद ही बताता है कि यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे यानी इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे इन अ पर्टिकुलर सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं लूँ तो 1 2 3 एंड डॉट 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 ऐसे लिख दूंगा और यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है यानी यहाँ एलिमेंट इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो सर इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? मैंने बोला इनफाइनाइट, मतलब इसका कार्डिनल नंबर हम नहीं ढूंढ सकते। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा फाइनाइट सेट के ढूंढे जाते हैं क्योंकि इसका आंसर आ जाता है इनफाइनाइट। अच्छा सर एक और एग्जांपल ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लूं आई इक्वल टू या फिर कैपिटल जेड इक्वल टू, तो क्या करेंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 0 1 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं यहां इनफाइनाइट ना लिखूं तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, जो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, कुछ सोचते हैं सर ये इक्वल है क्या? मैंने कहा नहीं, अगर जिस सेट दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम हो उसे बुलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल अगर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, सेट बी इक्वल टू अगर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट कितने हैं? 4। मतलब जिन दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसे हम बुलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसीलिए मैंने कहा जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो दैट इज इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, दैट मीन्स a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट। तो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a इज इक्विवेलेंट टू b, a इज इक्विवेलेंट टू b, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा सर तो व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट? मैंने कहा चलिए बताता हूं आपको व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट्स, कि भाई जिसमें ऑल द नंबर एलिमेंट्स सेम टू सेम हो दूसरे सेट की तरह, मतलब जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में हैं वही एलिमेंट सेकंड सेट में होने चाहिए एंड जो एलिमेंट सेकंड सेट में है वही एलिमेंट फर्स्ट सेट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि भाई सेट ए इक्वल टू अगर मैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ एंड सेट बी इक्वल टू अगर मैं 2 1 4 3 ले रहा हूँ, तो मैंने देखा जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में है, एज वेल एज जो भी एलिमेंट बी में है वो सारे एलिमेंट ए में है, देन आई कैन से ए इज इक्वल टू बी। कुछ कहेंगे सर यहाँ पे ऑर्डर तो अलग है, मैंने बोला ऑर्डर डजेंट मैटर इन अ ग्रुप। ठीक है, जब भी ग्रुप बना रहे हैं हम तो ऑर्डर मैटर करता नहीं है, तो सेम वे सेट में भी ऑर्डर मैटर करता नहीं है, सिर्फ सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सेम होने चाहिए तो उसे क्या बुलाते हैं? इक्वल सेट। तभी बच्चे ने कहा सर यहाँ भी चार एलिमेंट, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट भी है। मैंने कहा हाँ, दैट मीन्स एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट। ठीक है, थैंक यू।